हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कांस्टेबल रवि में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बिहार पुलिस 8415 के कट ऑफ के बारे में बात करने जा रहा हूं कि किस कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है उसका कितना कट ऑफ रहने वाला है। तो जैसा कि अगर मैं कैटेगरी वाइज अगर बात करूं तो मैरिट पिछले साल से कम ही रहने वाला है, ये तो कंफर्म है कि जो भी मैरिट बनेगा वो पिछले साल की कंपेयर में जो है कि वो कम रहने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग घबराइए नहीं, घबराने से कुछ नहीं होता है। तो चलिए आज चलिए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो बता दें, पहले मैं जनरल का बताऊंगा कि जनरल का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, इससे पिछले बार जो जनरल का कटअप था वो 76 गया था, 76 गया था जनरल का। तो इस बार जनरल का जो कटअप रहने वाला है वो आपको 74 से 76 से अधिक नहीं जा सकता, ये मैं आपको 100% गारंटी लेता हूँ। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का पिछले बार 72 गया था, और इस बार की बात करें तो इस बार आपका 72 प्लस नहीं हो सकता। मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि 72 प्लस नहीं जाएगा। तो अगर जिस भी कैंडिडेट का 70 से 72 के बीच में है या 72 प्लस भी है तो आप लोग कंफर्म रहिए, आप लोग का वर्दी चढ़ेगी ही और बिहार पुलिस अब बनोगे। और बात करें EWS की, तो उसका दोस्तों आप 68 से 70 के बीच रहने वाला है EWS का। और EVC की बात करें तो दोस्तों, EVC का 64 से 66, जिनका भी है दोस्तों वो निश्चिंत हो जाए, उनका मैरिट बनना ही है, एकदम तय है। और बात करें SC का, तो SC तो इससे पिछले बार उनका 62 गया था, इस बार उनका 60 से 62, इससे अधिक नहीं जा सकता है दोस्तों। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इससे अधिक नहीं जा सकता है। और ST का बात करें तो ST 62 से 64 है, तो वो कन्फर्म रहिए कि आपका मेरिट बनेगा ही, चाहे जैसे बने।